पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्वप्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित सीता रसोई जो निरंतर 2019 से निशुल्क भोजन वितरण कर दिया है। सीता रसोई पर बड़ी रसोई का आयोजन आज किया गया। सीता रसोई के महामंत्री उदयभान सिंह ने बताया कि आज की रसोई राकेश वर्मा ने अपने छोटे भाई की 26वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रायोजित करवाई। साथ में सारंग वर्मा, दीक्षा वर्मा, रमा वर्मा, रुक्मणी वर्मा सहित पूरे परिवार ने सीता रसोई पर पहुंचकर भोजन वितरण किया। भोजन करने वालों में दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले जैसे सामान्य जरूरतमंद लोग थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत व्यवस्था प्रमुख अनिल सक्सेना ने किया। आभार अभिव्यक्ति सुनील शर्मा ने किया। इस अवसर पर धीरज गुप्ता, संजीव शर्मा, छाया गुप्ता, सुप्रीत सिंह, जूही माथुर, सुधांशु कौशिक, संगीता सिंह, जूही शर्मा के साथ और भी लोगों का विशेष सहयोग रहा। ये मैं राकेश कुमार वर्मा वंसरो कॉलोनी में रहता हूँ और मैं मेरे छोटे भाई जिनका कि 9 जनवरी 1996 में देहांत हो गया था, वो आज उनकी पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में मैं छोटा सा मैंने ये आयोजन किया है सीता रसोई के माध्यम से कि जो भूखे के पेट में दो रोटी पहुँच जाए, यही मेरा एक प्रयास रहा है और मैं इसके लिए इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सीता रसोई के बारे में। अच्छा, कौन कौन लोग आपके साथ में? मेरे साथ मेरे परिवार के में मेरी पत्नी है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उनके बहू बेटा है और मेरा एक भांजा है। अच्छा, सभी ने मिलकर हम सबने ये आयोजन किया है। संचालन हमारे मित्र मानसरोवर निवासी हैं जो राकेश वर्मा जी, उनके छोटे भाई की आज 26वीं पुण्यतिथि है, जिस पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये बताया कि भाई आज हम रसोई प्रायोजित कराना चाहते हैं। तो उन्होंने आज पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ करके पूरी सब्जी और हलवे का वितरण करवा रहे हैं। मैं उनका पूरे सीता रसोई परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से जो सभी महानगरवासी हैं वो किसी न किसी विशेष आयोजन पर अपने जो है यहाँ पर आकर के सीता रसोई प्रायोजित करा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।